हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो सेशन में हम एरिया अंडर ए कार इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हमारे पास मैथमेटिक्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्लास 12 CBSE के अंदर जो चैप्टर नंबर 8 है, एरिया अंडर ए कार, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय 3 कर्व्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपली इस टॉपिक पे बेस है। और चैप्टर नंबर 8 जहाँ से बड़ा क्वेश्चन CBSE के अंदर पूछा जाता है। साथ ही साथ ये टॉपिक फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में कई बार मैंने ये देखा है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर एरिया ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए अपना कॉन्सेप्ट सेटअप करते हैं, तो वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गया कॉन्सेप्ट, उतना ही वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट को समझना, फॉर्मूला कैसे बना है, एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला कैसे आया है और 2 कर्व से बाउंडेड जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, इस चीज़ को हम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, इसमें आपके पास ये एक्स एक्सिस है, दूसरा आपके पास वाई एक्सिस है और एक मैं सिंपल सा ग्राफ बना लेता हूँ। उस ग्राफ को मान लेते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ बहुत सिंपल सा कंसिडर कर रहा हूँ, आप कोई सा कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो, मैं जो एरिया फाइंड करना चाहता हूँ वो किसी दो लाइन के बीच में, एक्स इक्वल टू ए, एक लाइन मेरे पास x इक्वल टू ए है, ये मेरे पास लाइन x इक्वल टू ए, दूसरा लाइन मैं यहाँ x एक्सिस से थोड़ा इधर बना लेता हूँ, ये इसको आपको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करना, मेरे से स्ट्रेट लाइन बनी नहीं है, x इक्वल टू बी। अब हमें जो एरिया निकालना है, हम x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और ये y इक्वल टू एफ एक्स जो ग्राफ हमारे पास है, और x एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया वो हमें निकालना, मतलब हमें जो एरिया निकालना ये एरिया निकालना, एरिया बाउंडेड बाई ए कर्व अंडर ए कर्व। तो ये किससे बाउंडेड है, एक्स एक्सिस से, एक्स इक्वल टू लाइन ए से, एक्स इक्वल टू लाइन बी से और इस कर्व से ऑब्वियसली। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं, कहाँ से हमारा फॉर्मूला आया, इसी चीज़ को आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल हमारा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट टॉपिक के अंदर आते हैं। तो ये मैं मिटा लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे शेडेड एरिया बनाया, लेकिन हमें एक ध्यान रखना है कि शेडेड एरिया ही मैं निकालना है। ओके, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए मैं एक स्ट्रिप बना रहा हूँ। स्ट्रिप का मतलब, सपोज आपके पास ग्राफ के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यहाँ वाई का वैल्यू एफ एक्स होता है तो एक्स एफ एक्स, ये आपके पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन मेरे से सही नहीं बन रही है तो मैं थोड़ा सा स्केल का यूज़ कर लेता हूँ। ओहो, मेरे पास स्केल आ गया है, ये बिल्कुल देखो स्केल से एग्जैक्ट सही आता है लेकिन थोड़ा सा मोटा आ रहा है। ओके, स्ट्रिप मैंने ले लिया, ये पॉइंट आपके पास एक्स वाई हो गया, एक्स वाई जो ये लाइन जो मैंने बनाया इसके पास एक लाइन और बना लेता हूँ, ये दोनों लाइन बना दिया, इसका मतलब भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहली वाली जो लाइन है, इसका जो ये पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट एक्स वाई है। आप देखो इस स्ट्रिप का बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस पर राइट साइड में, ये मान सकते हैं कि ये पॉइंट अगर आपके पास एक्स ज़ीरो है तो ये जो पॉइंट है आप इसको मान लीजिए एक्स प्लस डी एक्स ज़ीरो है ना एक्स एक्सिस पे, तो वाई वाला कंपोनेंट आपके पास हमेशा जीरो रहेगा, मतलब एक्स प्लस डी एक्स ये पॉइंट है। मतलब ये मान सकते हैं कि ये जो स्ट्रिप बनाई, इस स्ट्रिप का जो आपके पास विड्थ आ रहा है वो विड्थ आपके पास आ रहा है डी एक्स, स्मॉल डी एक्स। और जब भी डी एक्स का हम कहीं पे यूज़ करते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि डी एक्स जो क्वांटिटी है वो आपके पास जीरो की ओर टेन होती है, स्ट्रिप की जो विड्थ है वो आपके पास जीरो की ओर टेन हो रही है। अब आप देखिए कि हमें जो एरिया निकालना, इस स्ट्रिप का अगर हम एरिया निकालें और स्ट्रिप के एरिया को हम कंसिडर कर लें कि डी ए है ना, स्ट्रिप का एरिया बहुत छोटा होगा तो इसको मान लेते हैं डी ए। अब वो डी ए मुझे निकालना कि डी ए का वैल्यू मेरे पास कितना आता है, तो हमें थोड़ा सा सोचना है। अगर देखिए कोई सा भी कर्व होता है, कर्व का अगर आप एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और बहुत छोटा सा पार्ट अगर आप ले लेते हैं तो वो पार्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की तरह दिखेगा है ना। कोई सा भी कितना भी कर्व घूम रहा है लेकिन अगर उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं, अगर आप उसको जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपके पास दिखेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो फिर आप उसका से आपको वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे जो ये कर्व का जो पार्ट है, कर्व के पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर रेड लेता हूँ। ये देखिए ये जो पार्ट है ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। अब आप
आप इस स्ट्रिप को एक रेक्टेंगल की तरह सोच सकते हैं, क्योंकि देखो ये कर्व वाला पार्ट भी स्ट्रेट लाइन होगा, इधर वाला भी स्ट्रेट लाइन, इधर वाला भी स्ट्रेट लाइन टाइप का स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और ये वाला पार्ट तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ही। तो ये स्ट्रिप जो बना ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म का बन गया, मतलब रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल का एरिया हम निकालना इजीली जानते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो साइड इंटू ये अगर आपके पास एल है, ये आपके पास बी है, तो एरिया एल इंटू बी होता है। तो एल हमारे पास ये हाइट, अब ये हाइट कितनी है, देखो ये जो हाइट होगी इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका मतलब इसकी जो लंबाई इस कर्व के ऊपर ये जो ये है वो हमारे पास वाई रहेगी। तो इसका एल का वैल्यू होगा वाई, और इसका जो चौड़ाई होगा बी होगा वो आपके पास हो जाएगा डी एक्स, मतलब स्ट्रिप का एरिया आपके पास आ गया। और ये आपने कहाँ से निकाला, रेक्टेंगुलर के फॉर्मूले से निकालना। अब देखो आप x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक जितनी भी स्ट्रिप आ रही उन सारी स्ट्रिप का आप सम करना चाहते हैं, जितनी भी स्ट्रिप आ रही है सारी स्ट्रिप का सम करना चाहते हैं। और सम करोगे तो आपके पास ये डी ए वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी सारी स्ट्रिप का सम करना पड़ेगा। और सम का मतलब ही तो इंटीग्रेशन होता है, कहीं पे भी हम इसे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ का हम समेशन लेते हैं तो वो आपके पास इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। मतलब ये जो इक्वेशन आपके पास आई, इस इक्वेशन का मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, और इंटीग्रेशन में भी थोड़ा इसको मैं लिमिट ले रहा हूँ। लिमिट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब इंटीग्रेशन हम लिमिट नहीं लेते तो उसका मतलब होता है कि अनबाउंडेड या इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया। हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन लेना, मतलब लिमिट लेना। लिमिट हमें यह लेना है कि जो हमारे पास x का वैल्यू होगा x इक्वल टू ए से लगा कि x इक्वल टू बी तक ही चेंज होगा, क्योंकि जो हमें एरिया निकालना है वो तो हमारे पास इन लाइन के बीच में निकालना है। इसका मतलब ये जो डी एक्स एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, x इक्वल टू ए से लगा के x इक्वल टू बी तक चेंज होता है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। अब कई बार हम कहते हैं कि हमें एक साइड तो आपने इंटीग्रेशन की लिमिट ले ली, आपने दूसरे साइड इंटीग्रेशन का लिमिट क्यों नहीं लिया। तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि मेरा अगर मैं एक्स इक्वल टू ए पर मेरे पास लाइन है तो डी ए का वैल्यू ज़ीरो होगा, और एक्स इक्वल टू बी तक जब लाइन पहुँचेगा तो मेरा पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, तो मेरे पास ए आ जाएगा। आप इस लाइन को फॉरगेट भी कर सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली इसको डी ए भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब भी ये सोच रहे हैं कि दोनों तरफ डेफिनेट इंटीग्रेशन होना चाहिए तो इधर भी लिमिट लगाओ इधर भी लिमिट लगाओ। लेकिन लिमिट में भी आपको एक ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर डी ए आया तो ए की लिमिट आएगी, ए कहाँ से कहाँ चेंज होता है। यहाँ पे डी एक्स अगर आया तो एक्स कहाँ से कहाँ चेंज होता है, इसकी लिमिट आपको लेनी पड़ेगी। तो देखो मैंने दोनों तरफ लिमिट ले लिया है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो हमें पता है डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली ए, क्योंकि आपके पास वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो डी ए मतलब ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना तो ए आ जाएगा, और इसकी लिमिट लग जाएगी जीरो से लगा के ए तक। और इधर भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई, अब देखो वाई को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब x इक्वल टू ए से इनको हटा के x a भी कर लेता हूँ, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कि ये x की लिमिट है। अब मैं y का वैल्यू रख सकता हूँ कि y का वैल्यू कितना है, वो आपके पास एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स डी एक्स। अब आप इधर वाला इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे a की जगह, तो a माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ज़ीरो इक्वल टू ए बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास आ गया a इक्वल टू ए से लगा के b तक एफ एक्स डी एक्स। और ये फॉर्मूला आपके पास एरिया अंडर ए कर्व आपके पास निकल के आ गया है। क्या है ये, एरिया अंडर ए कर्व। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, वो ग्राफ है, लिमिट क्या है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ये आपके पास एरिया आता रही, ये एरिया कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड होता है ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि x इक्वल टू a लाइन से, x इक्वल टू b लाइन से, और x एक्सिस और ग्राफ से बाउंडेड होता है। तो ये आपके पास एरिया अंडर ए कर्व का फॉर्मूला इस तरीके से सेटअप होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम दूसरी चीज़ देखेंगे जिसमें हमें देखना है कि एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते, तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। सपोज़ आपको एक एरिया एक ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ में मैं स्केल का यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा स्केल का यूज़ करने से क्या कि मेरा ग्राफ थोड़ा सा ठीक बन जाता है। तो ग्राफ बनाने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। ओहो आईपैड का क्या मैसेज आ रहा है। ओके, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब मैं इस पर एक पैराबोला लेता हूँ, सबसे सिंपल सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ग्राफ लेता हूँ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बनाना भी आपको आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा ऐसे सोचता हूँ कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो
ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ बनेगा। मेरे बच्चों को मैं इस तरीके से सिखाता हूँ। तो ये ग्राफ अगर आप जैसे तैसे बनाएंगे तो ग्राफ आपके पास अप्रोक्सीमेट कुछ इस तरीके से आएगा। और सपोज हमें जो एरिया निकालना, वो आपके पास सपोज ये एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 डब्बे यहाँ पे मान लेता हूँ, एक्स इक्वल टू -1 यहाँ पे, 1, 2, 3 एक्स इक्वल टू 1 आपके पास यहाँ पे। आपको जो एरिया निकालना है वो एरिया आपको ये निकालना, ठीक है, ये एरिया निकालना। एरिया अंडर कर्व, अंडर आता है, अबाव नहीं आता, तो अंडर वाला कर्व मतलब ये। तो x इक्वल टू -1 से लेकर x इक्वल टू 1 तक का एरिया आपको निकालना है। और ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है और इस तरीके से बनेगा। अब ग्राफ का सीधा सा मतलब क्या होता है कि इस कर्व के ऊपर जितने सारे भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट आपको 1, 1 मिलेगा, मैंने ऐसे ही रेंडमली लिखा है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये ग्राफ के ऊपर है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट 1, 2 हो सकता है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ के ऊपर नहीं है। कर्व का मतलब सिर्फ इतना सा होता है। तो चलिए इसका एरिया फाइंड करते हैं जहाँ रिक्वायर्ड एरिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि रिक्वायर्ड एरिया जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने सीखा कि वाई डी एक्स या एफ एक्स डी एक्स होता है और यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। तो एक्स की लिमिट यहाँ ए मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, इनिशियल लाइन -1 से लास्ट वाला लाइन एक्स इक्वल टू 1, मतलब -1 से 1 तक इंटीग्रेट करना है और वाई डी एक्स होगा। तो ये -1 से 1, y का वैल्यू क्या होता है, ये ग्राफ का फॉर्मूला, y आपको ग्राफ से निकालना है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर है डी एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x 3/3 और आपके पास ये बॉक्स के लोअर लिमिट आएगी -1, अपर लिमिट आएगी 1। अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो x की जगह आपको सबसे पहले अपर लिमिट रखनी है, तो 1³/3 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखनी तो -1³/3। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1/3 माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1/3 लिख देते हैं, तो ये आपके पास आ गया 1/3 +1/3 दैट इज 2/3। स्क्वायर यूनिट भी हम लिख देते हैं, एरिया है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो ये आपके पास एरिया आ गया। सिंपल सा एग्जांपल लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखा और फॉर्मूले से आ गया। कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता। ये इस एरिया निकालने के लिए हमें कुछ दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, या सिंपल से इसको रेक्टेंगल कंसीडर करके हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने जो निकाला है वो कर्व के अंडर जो एरिया है वो हमारे पास आया है। अब देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अभी फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, मैं वापस आपको यहाँ पे लेके जाऊँगा। अगर देखो ये ग्राफ अगर नीचे की साइड बन रहा होता तो क्या होता, यही ग्राफ है जो नीचे की साइड बन रहा होता तो क्या होता, हमारा सेम फॉर्मूला रहता, कोई चेंजेस नहीं आते। हम यहाँ पे एक लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू लाइन होती, यही स्ट्रिप हम नीचे की तरफ बनाते, और स्ट्रिप अगर नीचे की तरफ हम बनाते तो देखो हमने क्या लिया, y इंटू डी एक्स, तो y हमारे पास नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव होने से ये स्ट्रिप तुम्हारे पास नेगेटिव आ जाती, मतलब जो एरिया आ रहा है इस स्ट्रिप का नेगेटिव में आ रहा। देखो नीचे की तरफ ग्राफ बनता तो एरिया नेगेटिव में आ रहा, इसका मतलब जितनी सारी भी स्ट्रिप आ रही है उसकी सारी स्ट्रिप एरिया नेगेटिव, तो आंसर फिर आपके पास नेगेटिव आया। मतलब आपको आंसर 5 चाहिए तो आंसर आएगा -5, इतना ही फर्क है। तो अगर आपके पास कर्व कहीं पे एक्स एक्सिस के नीचे की साइड बन रहा है तो एरिया आपको पॉजिटिव लेना, आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान आपको ये भी रखना है कि अगर आपके पास ग्राफ कहीं ऊपर भी बन रहा है नीचे बन रहा है तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे कि साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है, सपोज़ ये ग्राफ साइन एक्स है मैंने बनाया है, बहुत अच्छा बना नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं। जैसे कि अभी आपको ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट आप इसको निकालिए, दूसरा पार्ट आप इसको निकालिए। पहले वाले पार्ट का साइन पॉजिटिव आएगा, सेकेंड वाले पार्ट का साइन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को आप पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने के बाद दोनों एरिया को आप एड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी एक्स एक्सिस से बिलो आता है तो आप इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लीजिए। बेसिकली क्या होगा, ये y इक्वल टू साइन एक्स है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है और ये 0 से लगा के ये 2π तक है। मतलब जो हम कोशिश करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या आता है, वाई डी एक्स 0 से 2π तक आपके पास इंटीग्रेशन चाहिए होता। तो आप क्या करते हैं, 0 से लगा के 2π लिखा, y का वैल्यू रखा साइन एक्स,
आर डी एक्स। अब जब आप एरिया निकालना चाहते हैं तो ये एरिया क्या आ जाता है, जीरो। जीरो इसलिए आ जाता है क्योंकि ये एरिया इक्वल, ये एरिया दोनों इक्वल एरिया है लेकिन एक दूसरे के नेगेटिव है। तो ये अगर आपके पास 3 आया, ये माइनस 3 आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सम ही तो हो रहा है। अब पॉजिटिव भी उतना, नेगेटिव भी उतना सम हो तो आपके पास एरिया जीरो दे देगा। तो ये आपके पास एरिया जीरो आएगा लेकिन एरिया आपके पास जीरो नहीं है। आपको किस तरीके से निकालना, ऊपर वाले पार्ट का मतलब आपको निकालना है जीरो से पाई, क्योंकि बीच वाला पॉइंट क्या है, पाई। जीरो से पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस फिर आप लीजिए पाई से टू पाई साइन एक्स डी एक्स, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेशन की लिमिट, हम इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी जिससे इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, पाई पाई आपके पास सेम होता है। अब देखो ये एरिया निकालोगे तो ये भी जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट तो नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए मैं क्या लगा लेता हूँ, ऐसी लाइन बना लेता हूँ जिसका मतलब है मोड वैल्यू। तो ये एरिया आपके पास आके निकल जाएगा। और अब एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व को हम समझेंगे, और वो ज़्यादा टफ है नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो पहले यूज़ हो रहा वो सेम फॉलो होगा। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं स्केल का यूज़ करूँगा। ये स्केल निकाल लिया मैंने बच्चों, ये दो लाइन बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वाला साइड यूज़ करूँगा। तो ग्राफ को सिर्फ ऐसा बना लेता हूँ, ये भी मैंने लंबा बना लिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। स्केल को हटा लेते तो ये क्लिक कर दिया, ये देखो ये दो ग्राफ है। ये मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स वन एफ वन एक्स, ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू एफ टू एक्स। अब आपको क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसको हमें समझना। सपोज ये पॉइंट जो आपके पास है, ये पॉइंट आपको पता है, और इस पॉइंट पर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो उस लाइन का भी वैल्यू आपको पता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे, यहाँ पे बना दिया आपने, ये पूरा 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब पूरा परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन ये बार बार जा रहा है। ओके ये हमारे पास आ गया है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कौन सा, येलो तो दिखेगा नहीं। ओके तो ये एरिया आपको निकालना है। ये आपके पास एक्स इक्वल टू, ये आपको पता है एक्स इक्वल टू बी, आपको ये पता है। अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आप क्या करेंगे, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। क्लास 11th में हमने लाइन का इंटरसेक्शन निकाला था, तो ग्राफ का इंटरसेक्शन निकालना, तो कर्व को सॉल्व कीजिए, तो ये दोनों पॉइंट आपके पास पता चल जाएगा। फिर आप एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी आपको लाइन पता चल जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये एरिया निकालना। तो ये एरिया अभी आपको सोचना है कि वाई इक्वल टू एफ टू एक्स को देखिए आप, अगर आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं एफ टू एक्स डी एक्स और एक्स इक्वल टू ए से लगा के बी, ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या देगा, एरिया अंडर ए कर्व से आपको पता करना है। ये जो एक्सप्रेशन होगा ये आपके पास ऊपर से लगा के नीचे तक का एरिया पूरा का पूरा आपके पास ये आएगा, क्योंकि एरिया अंडर ए कर्व, इसका मतलब ये आएगा। दूसरा एक्सप्रेशन आप देखिए ए बी एफ वन एक्स डी एक्स, ये वाली क्वांटिटी कौन सा एरिया आपके पास देगी। तो ये वाला क्वांटिटी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो ये वाला ग्राफ यूज हो रहा है y इक्वल टू एफ वन एक्स, मतलब अंडर ए कर्व, इसका मतलब इस कर्व के जो अंडर जो आ रहा है एरिया, ये वाला एरिया आपके पास यूज होगा, मतलब ये वाला पोर्शन अभी यूज हुआ नहीं है दूसरे वाले कर्व में। और हमें निकालना ये वाला, इसका मतलब फर्स्ट वाला माइनस सेकेंड वाला, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला देखो ये, इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि आप, आपके पास क्या, ये वाला इस एरिया को मान लो वन, इसको मानो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा, थोड़ा सा डिलीट कर लेते पोर्शन को ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके रेड के बजाय हम ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा सा इसी पॉइंट को समझेंगे, समझ में भी आ गया होगा लेकिन थोड़ा सा और इलोबरेट कर लेते हैं। सपोज़ आपके पास ये वाला पार्ट एरिया जो निकालना आपको वन, कर्व टू के नीचे वाला टू,
ये एरिया टू, टू नंबर एरिया है, ऊपर वाला आपके पास वन। मतलब ये जो एक्सप्रेशन जो है, ये एरिया आपके पास कौन सा देगा, वन प्लस टू, दोनों पोर्शन का एरिया आपके पास देगा। ये वाला कौन सा देगा, ये आपके पास देगा टू, नीचे वाला एरिया अंडर ए कर्व के डेफिनेशन से टू। तो आपको कौन सा चाहिए, आपको तो चाहिए सिंपली वन। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इस वाला एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन हम अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते थोड़ा, रिक्वायर्ड एरिया वो आ जाएगा ए से बी एफ टू एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एफ वन एक्स डी एक्स, ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। और अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है वो dx है, लिमिट है आपके पास a से b लगा के, दोनों तरफ a से b है, तो इस रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन को a से b इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एफ टू एक्स माइनस एफ वन एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास एरिया अंडर ए कर्व, दैट इज़ आपके पास जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ वो वाला एरिया आपके पास आ गया है। ठीक है, ये रेड वाला जो बॉक्स बना है वो एरिया आपके पास, ये फॉर्मूला एरिया अंडर ए कर्व वाला आ गया है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मेरे हिसाब से समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझे, अब देखो इसको इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूले थे, फॉर्मूले को समझना जरूरी था। यहाँ पे आपको स्ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं, स्ट्रिप वाला कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर रखना और फॉर्मूला डायरेक्ट दिमाग के अंदर रखना, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो नया वीडियो आता तभी तब के लिए।